कल जिला जौनपुर में समाजवादी नेता मनोज कुमार मौर्य की अगुवाई में समाजवादियों ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। उनके कार्यकाल में बनाए गए सद्भावना पुल पर यह कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पर 83 पैराशूट फायर बैलून छोड़कर इस आयोजन को संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक पूर्व जिला उपाध्यक्ष अनावरुल हक गुड्डू, प्रदेश सचिव विभाजन सभा मनोज कुमार मौर्य थे। कार्यक्रम में समाजवादियों द्वारा अपने नेता मुलायम सिंह के नाम का केक काटा गया और एक दूसरे को खिलाकर मुलायम सिंह जी की लंबी आयु की कामना की गई। इसके बाद सभी ने अपने अपने विचार रखे। यातायात को थोड़ा सा परमिशन की देखिए, ये पुल नेताजी ने दिया था, इसलिए समाजवादियों ने उनकी यादगार में उनके कामों को लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ ये आयोजन किया, ताकि लोगों तक कार्यकर्ता है आपके साथ में उन लोगों के समेत आपसे ही सुनना चाहूँगा। मनोज भाई आप बताएंगे कि माननीय नेताजी के जो जन्म दिवस पर आपके दिल इच्छा क्या है जो आप आज हम लोगों ने आज इसलिए यहाँ पे मनाया गया, ये सद्भावना पुल नेताजी के जन्मदिन पे सद्भावना दिवस के रूप में हम लोगों ने 83 आप लोग देखे होंगे बैलून छोड़ करके हमने उनका जन्मदिन मनाया गया। और मैं हमारे गुड्डू भाई, हमारे दीपा भाई और सारे लोगों ने मिल करके, सारे लोग साथ में रह करके, हमारे राजन भैया, हमारे अधिवक्ता सभा के हैं जज जी, सारे लोगों ने साथ मिल करके मनाया। हमारे पिंसू भाई भी हैं, सारे लोगों ने साथ मिल करके, कमालुद्दीन अंसारी और सारे लोगों ने मिल करके सहयोग से मनाया गया। और अभी आपका एक प्रश्न था, सद्भावना पुल पे आपने कार्यक्रम को किया है, आप देख सकते हैं कि समाजवादी इतने नियम से अपना काम करते हैं कि आने जाने वाले को किसी तरीके की कठिनाई न होने पाए। और इस पुल पे इसलिए मनाया गया कि आज हम लोगों को याद फिर मुलायम सिंह की आ गई कि हमें एक पुल और वो दे सकते हैं अगर सत्ता आ गई तो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जौनपुर की क्या स्थिति है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि टीवी के माध्यम से आप योगी जी को ये बात बताएं कि अगर माननीय मुलायम सिंह 6 महीने में पुल बनवा सकते थे तो क्या 5 साल में वो एक भी पुल नहीं दे सकते थे। आज ट्रैफिक की वो इतनी व्यवस्था बिगड़ चुकी है कि हमारे शहर के अंदर जाम की जो स्थिति है आप लोगों से कोई छूटी नहीं है। तो मैं इस पुल पे इसलिए इस कार्यक्रम को आज इनके जन्मदिन को मनाया कि जिससे कि जौनपुर की जनता और आपके माध्यम से जो प्रदेश के मुखिया बैठे हैं उनके भी समझ में आ जाए कि 5 सालों में हमने जौनपुर में तो कोई काम नहीं किया, अन्य जिलों की मैं बात नहीं करूंगा। इसके साथ साथ मैं अपने नेता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और कोशिश करता हूं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं हम लोग कि उनको 100 साल से भी ज़्यादा उनकी उम्र बढ़े। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कमालुद्दीन अंसारी, राजन यादव, दीपा सोनकर, समर बहादुर, प्रिंसु यादव, राम सजीवन यादव, अब्दुल्ला कलीम, अजीज फरीदी, अंसार इंद्रीसी, शम्स तबरेज, उदयराज यादव, अजमत खान, शकील माज, निहाल निषाद, राजा नवाब, रुस्तम इराकी, सोनू यादव, सोनू गौतम, ज्वाला गौतम, अफजल मंसूरी, अदनान खान, सुधीर प्रजापति, राजू आदि लोग मौजूद रहे।